वेलकम टू माय चैनल डोने टेक्निकल गुरु। मैं आपका स्वागत है। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो फ्रिज का स्पोर्ट होता है, जो फ्रिज में आग लगती है, ब्लास्ट होता है फ्रिज का, उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या फ्रिज में नुकसान हो सकते हैं और फ्रिज स्पोर्ट क्यों हो सकता है। हम तो फ्रिज हर घर में एक एक तो फ्रिज यूज़ करते हैं दोस्तों। ये देखिए, हर किसी के घर में एक फ्रिज होता है। कमेंट करके बताइए कौन कौन फ्रिज का ठंडा पानी पीता है, और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन फ्रिज यूज़ करता है और कौन से किसके घर में कौन सा मॉडल है फ्रिज का, आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है फ्रिज की। हम दिखा रहे हैं यहाँ पे फ्रिज जो है, आपको आगे से दिखाएंगे एक क्लिप जो फ्रिज में स्पोर्ट हो गया था, जो ब्लास्ट हो गया था, पूरा का पूरा फ्रिज बहस महस हो गया था। वो क्यों हो गया, वो क्यों होता है फ्रिज, उसके प्रिकॉशन क्या लेंगे तो फ्रिज को हम सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जिसको हम सीधी भाषा में गैस बोलते हैं, जो फ्रिज में गैस होता है वो सबसे हाई फ्लेमेबल होता है, सबसे हाई क्वालिटी का सबसे हाई फ्लेमेबल गैस होता है। उसको आग की थोड़ी सी भी चिंगारी लग गई तो वो ब्लास्ट होने में कुछ चंद मिनट या कुछ चंद सेकेंड ही लग सकता है। और यह देखो, ये इमेज आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक जो फ्रिज है मैं रिपेयर करने के लिए गया था, का पूरा पूरा फ्रिज जो है वो ब्लास्ट होके गिर गया था। उनका एक ही कारण था, उनके जो कंप्रेसर होता है, जो कंप्रेसर के ऊपर एक ट्रे रहता है पानी का, वो पानी का ट्रे लीक होके वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होता है कंप्रेसर का पार्ट होता है, एक रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर कंप्रेसर बोलते हैं उसको, वो उसमें पानी जाके जो स्पोर्ट हो जाता है, जो ब्लास्ट होता है, वो पूरा का पूरा फ्रिज में फैल जाता है। वो होने से हम कैसे बच सकते हैं, वो देखो आगे की जो इमेज है, ये इमेज हम देख रहे हो कि कैसा फ्रिज जो है पूरा का पूरा ब्लास्ट से काला हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रिज की हालत जो है वो पूरी की पूरी बुरी हो चुकी है। ऊपर से जो प्लेन पतरा रहता है, वो डोर है, वो ऊपर का प्लेन पतरा रहता है, वो पूरा का पूरा जल गया है। नीचे जो कंप्रेसर बेस है, कंप्रेसर बेस भी पूरा का पूरा जल गया। ये जो कंप्रेसर रहता है, यहाँ पे जो होता है ये कॉइल रहता है, एक रिले टाइप कॉइल रहता है। ये देखिए, ये जो कंप्रेसर है वो बाहर निकल के गिर गया था। जो कंप्रेसर में गैस होता है, वो गैस जो है वो पूरा ब्लास्ट हो गया था। जो गैस रहता है वो आपका बहुत ही ज्वलनशील रहता है। ये देखिए क्लिप, यहाँ पे जो हम दिखा रही है फ्रिज, ये फ्रिज में एक दो दिन पहले ब्लास्ट हो गया था। जो ब्लास्ट हुआ था उससे उनका घर जो है पूरा तहस नहस हो गया। घर में जो भी सारी चीज़ें थी वो तो पूरी की पूरी डेंजरस हो गई। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो होता है थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कंट्रोलर नॉब होता है, वहाँ पे भी कभी कभार आग पकड़ सकता है। और यहाँ पे देख लीजिए, हम दिखा देते आपको, यहाँ पे जो है बर्फ़ का कंपार्टमेंट है, वो भी यहाँ से भी कभी कभार क्या होता है, वो ऊपर से थर्मोस्टेट समझो आपका लीक हो रहा है, थर्मोस्टेट से जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वहाँ पे लीक हो रहा है, बोलो तो चूहे ने कट किया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसके भी वजह से यही प्रॉब्लम हो सकता है। समझो ये इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी भी आँच आ गई तो जो गैस होता है गैस कैप्चर कर लेता है, उसके अंदर जो फोम होता है वो फोम बहुत ही जल्दी आग पर, ये देखो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के ऊपर एक ट्रे रहता है जिसमें पानी रहता है भरा हुआ, वो ट्रे फट जाने की वजह से नीचे पानी आकर इलेक्ट्रिसिटी में आ पानी फैल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक जब फैल जाएगा तो आग पकड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो होता है पम्प, पफ बोल के एक सॉल्यूशन होता है, जो ब्लैक दिख रहा है आपको पफ, यह पफ सॉल्यूशन जैसा थर्माकोल होता है वैसा ही सेम होता है, लेकिन पफ जो होता है वो आग बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है और उसकी आग बुझाना नामुमकिन है। जैसे कपास जलता है वैसे ही यह पफ जल जाता है। और पफ क्यों लगा रहता है इसमें, कि बॉडी जो है वो टेम्परेचर उसका कंट्रोल कर सके पूरी की पूरी, जो थर्मस होता है, थर्मस के अंदर जो भी कुछ बॉडी रहती है सेम उससे ही उसके अंदर लगी रहती है। देखिए कंप्रेसर, यहाँ पे देख लीजिए कंप्रेसर के पास जो है ये आपका पूरा का पूरा अंदर से होल हो गया है फ्रिज को दोस्तों। तो एक ही ध्यान रख दीजिए, ये जो स्पोर्ट है वो बहुत ही बुरी हालत में हो गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो है कोई भी आदमी को कुछ भी चोट नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो था किचन का जो सामान था वो पूरा का पूरा रख दिया था, बट किचन को पूरा का पूरा तहस नहस हो गया, यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं बचा उनका।
जो भी उनके रैक थे, कपाट थे, उनके जो भी किचन के बर्तन थे, जो ट्रॉलीज थी किचन की पूरी वो ख़त्म हो गई है। ये देखिए यहाँ पे मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ, बोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था इनके, इनके बोर्ड में प्रॉब्लम होता तो बोर्ड का पूरा बोर्ड जल जाता है। यहाँ वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे फ्यूज़ भी लगा हुआ था उनके बोर्ड में, वो बहुत ही बढ़िया है। फ्यूज़ हर घर में लगाना बहुत ही ज़रूरी है और फ्रिज को अर्थिंग देना भी बहुत ज़रूरी है और फ्रिज को हर एक डेढ़ महीने, दो महीने या चार पाँच महीने में मेंटेनेंस करवा के लीजिए। फ्रिज का कुछ ऐसा सर्विसिंग तो नहीं होता है जैसे बाइक का सर्विसिंग होता है, वैसा फ्रिज का सर्विसिंग नहीं होता है। फ्रिज में कभी कोई बोलता है कि गैस ख़त्म हो जाता है, तो गैस कभी भी ख़त्म नहीं हो जाता है, जो फ्रिज में गैस है वो सर्कुलेट हो जाता है। तो दोस्तों आपके हर घर में, हर ऑफिस में रहना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर जो रहता है वो आग बुझाने के लिए बहुत बढ़िया काम कर लेता है। आग समझो फ्रिज में लग गई है, उसको बुझाना है आपको, तो वो यूज़ करना बहुत ही बेहतर तरीका है। कभी भी फ्रिज समझो जल रहा है उसके ऊपर पानी ना डाले कभी भी गलती से भी, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो जब जल रहा होता है फ्रिज, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, उसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।